लेसन है 11, वो है सहकारिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण। बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसमें मैंने राजस्थान के संदर्भ में भी रीट और पीएसआई के आधार पर रीट के लिए विशेष उपयोगी है नया टॉपिक जो जोड़ा गया है उसमें इसको शामिल किया गया है। इसके एमसीक्यू भी हमने यहाँ से तैयार किए हैं, 10 क्वेश्चन मैंने आपको निकाल के दिए हैं एनसीईआरटी के बेस पे। इसको अपने शुरू करते हैं। यहाँ सहकारिता की शुरुआत कैसे होती है, लेसन 11 में बताया गया है कि एक एनोपुरा एक गांव है, भीम गिचोपाल में किसान इकट्ठा हुए और गासीलाल है वो सुझाव दिया गांव वाला ने कि आपा छोटा छोटा खेत है बा छोटा छोटा खेतान आपा अगर अलग अलग जोतांगा अलग अलग काम करांगा तो खर्चो ज्यादा से इनकम आमदनी कम हो सी, तो आपा सारा मिल गए सहकारी खेती करा। वो शब्द काम लेता है सहकारी खेती। तो एक आदमी पूछ रहे सहकारी खेती के वे, तो वो कहे का आपा सब मिल गए एक दूसरे को सहयोग करके अगर खेती करा। तो भी एक आदमी हुए गोपाल, वो इनको विरोध करे कह तू तुम्हारा खेत हड़पणो चावे, तो वो बान समझावा रहे मैं धान खेत को नहीं हड़पना चाहूँ, आपा अगर मिल गए छोटी छोटी रकम इकट्ठी कर गए सांझा ट्रैक्टर लिया हुआ खेती का उपकरण लिया हुआ सागे मिल गए खेत करा तो खेत को आकार बढ़ो जे को जोत को साधन संसाधन ज्यादा हो सी आपन इनकम बढ़िया हो सी। तो जगह बुजुर्ग है वो भी कहो मान ले अठो अपने एनोपुरा पंचायत जो की है भी वो एक कहानी के तौर पर सहकारिता आंदोलन की शुरुआत। तो आप पढ़ा सहकारिता का अर्थ क्या है ना, तो सहकारिता का अर्थ है कि संगठित रूप से भी सारा आदमी आप संगठित रूप इकट्ठा हो गए आपसे सहयोग के साथ अगर काम करते हैं तो वो है सहकारिता है ना। मेन अर्थ है इसमें व्यक्ति हैं वो आपस में क्या करेंगे सहयोग, क्या करेंगे सहयोग और किस रूप में रहेंगे संगठित रूप में, यही सहकारिता है। यहां से प्रश्न आने की मेन संभावना है सहकारिता के मूल तत्व क्या हैं, बेसिक कंसेप्शंस मूल तत्व इसके क्या हैं, तो वो अपनी एनसीईआरटी में इसके बताए गए हैं चार। पहला है कि इसकी जो सदस्यता होती है वो स्वैच्छिक होती है, थाने जीक रहे तो इम शामिल हो जाओ, गोपाल ने वही कही हो क्या अगर तेरू जीक रहे तो तू शामिल हो जाए, नहीं ना हो यार तेरू खेत ना क्या बाली। तो इसका मतलब है इसकी जो सदस्यता होती है वो स्वैच्छिक होती है, इसका जो संचालन है अब वो एक संघ बन गया ना, सहकारिता एक संघ बन गया, इसका संचालन और इसका जो प्रबंध है उसमें सबकी सहमति आवश्यक है। यहाँ कोई नहीं एक दादो बन गए सारा आदेश दे, नहीं, यहाँ मेन उद्देश्य है सब मिलकर के काम करेंगे, यहाँ सबको अवसर मिलेगा। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है निर्धन से निर्धन व्यक्ति के तक लाभ पहुंचाना, उसको अवसर उपलब्ध कराना अपने, इसके अलावा आर्थिक सामाजिक और नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति, सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, इकोनॉमिक आय भी हो सी और नैतिकता यानी हम सहयोग की भावना से काम करेंगे। तो ये इसके मूल तत्व हैं। इसका मूल मंत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सहकारिता का मूल मंत्र क्या है, बहुत बार एक सबके लिए यानी ऑल फॉर वन वन फॉर ऑल, एक सबके लिए सब एक के लिए। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति निर्धन है तो उसके लिए सारे गांव वाले काम करेंगे और सारे गांव वालों के लिए वो व्यक्ति अपना परिवार मान करके अपना सब कुछ अर्पित करते हुए उनके लिए काम करेगा, यानी एक सबके लिए सब एक के लिए, ऑल फॉर वन वन फॉर ऑल, ये इसका मूल मंत्र है, है ना। सबके हित में हमारा निहित है, ये इसमें मूल मंत्र है। अब हम देखते हैं कि सहकारिता समिति है उनका गठन कैसे किया जाता है, यहां से प्रश्न आने की संभावना फिर अधिक है। आपा सहकारिता समिति को गठन करा उसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक हित, ये प्रश्न पूछ सकता है कि सहकारी समिति है उसके गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक हित की प्राप्ति। इसमें कम से कम 15 व्यक्ति होने चाहिए, है ना, 15 व्यक्ति न्यूनतम होने चाहिए प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए। इसके काफी सारे उदाहरण हैं जैसे कृषि सहकारी समिति, दुग्ध सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, गृह निर्माण सहकारी समिति, सहकारी साख और बचत सहकारी समिति, क्रय विक्रय सहकारी समिति, खूब सारे एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब हम सहकारिता के जुड़ा हुआ टॉपिक दूसरा है उपभोक्ता सशक्तिकरण, इससे बात करते हैं। उपभोक्ता सशक्तिकरण का पहला अर्थ ये हम समझें कि उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता का अर्थ है बेटा वह व्यक्ति जो स्वयं के उपभोग के लिए वस्तु या सेवा खरीदता है, भी आपन कोई चीज की जरूरत है प्रत्यक्ष रूप आप चीज खरीदा और आपने काम में भी वो उपभोग करा, आपन चीज खरीद के अगले बेच दी, हम उपभोक्ता नहीं है, हम उस वस्तु को सीधा प्रत्यक्ष खरीदे और अंतिम रूप से उसका उपयोग करें तभी हम उपभोक्ता है, ठीक है। फिर हम यहाँ बात करते हैं कि उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है। आपा सिंपल सी बात है, खराब या घटिया वस्तु कोई किन दे दे या मात्रा कम दे दे, या आपा कोई ब्रांड की चीज गलिया ऑनलाइन अप्लाई करियो दूसरों ब्रांड आ गयो, तो यो भी उपभोक्ता का शोषण है।
घटिया सामान दे दे, नकली वस्तु दे दे या अधिक राशि आप ना आजकल आप देखा आपका लॉकडाउन में विशेष रूप से जो जितनी जितने रुपए की वस्तु है उससे ज्यादा रुपए अपने से वसूल लेने कालाबाजारी कर रहे हैं, तो ये भी उपभोक्ता का शोषण हो रहा है, है ना। गारंटी और वारंटी यूं मुकर्जे गारंटी वारंटी में शब्दावली में फेर परिभाषित करी है। खरीदारी के समय अपन के सावधानी रखनी चाहिए ताकि आप शोषण में बच सका। तो अपन जब भी कोई चीज लिया बिंगो अपने बिल लेना चाहिए, अपन गारंटी वारंटी है तो बिंगो कारण देना चाहिए, है ना। बिंगी मात्रा कितनी है लिखड़ी है अपन तोड़ने चाहिए। बिंगो निर्माण की तिथि कहते हैं, एक्सपायरी डेट कितनी है, बिंगा गुणवत्ता का चिन्ह है बेटा। आगे मैं अलग से थाने बता दे सी बैठे ISI है तो ISI के ऊपर मार्को देख लेना चाहिए। अगर आप खाद्य वस्तु लेना है तो भी एग मार्क को होना चाहिए। अगर आप फ्रूट वगैरह खरीदना तो भी पर FPO गुणवत्ता स्टैंडर्ड मार्क वह होना ही चाहिए, है ना। फिर अपना अगर अपन अपना शोषण होने लग रहे हो उपभोक्ता को तो वो उपभोक्ता कठे शिकायत कर सके, है ना। अपने उपभोक्ता के संरक्षण के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लेके आए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 SST में ये प्रश्न पूछा गया सेकंड ग्रेड में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 24 दिसंबर 1986, ठीक है। इस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी बनाते हैं। तो आपा शिकायत तंत्र तीन त्रिस्तरीय हैं। पहली पूछता आपने जी की आपा शिकायत करांगा कटक रहेगा DCF में, डिस्ट्रिक्ट है ना कंज्यूमर DCF डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जो होता है हमारा जिला उपभोक्ता मंच होता है, बैठे आपा शिकायत 20 लाख रुपये तय कर सका। अगर राशि 20 लाखों ज्यादा है और 1 करोड़ कम है तो आप शिकायत कर सी करा सीधी राज्य उपभोक्ता मंच में। अगर राशि 1 करोड़ भी ज्यादा है तो आप सीधी अपनी शिकायत कटक रहेगा राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में। सिंपल सी बात है, अगर आप जिला उपभोक्ता में शिकायत करी थे और बैठे थाने संतोषपूर्ण जवाब आपको नहीं मिला तो उसकी शिकायत आप उच्च स्तर पर करेंगे, वो कितना समय है 30 दिन। अगर आपको राज्य उपभोक्ता में संतुष्टि नहीं मिली तो आप शिकायत कहाँ करेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में। तो फिर आप जब अपील करते हैं तो यह राशि मायने नहीं रखती, फिर आप अपील किसी भी आधार पर कर सकते हैं। तो अगली अपील करने के लिए आपके पास टाइम कितना दिन का होता है, 30 दिन। और आप वस्तु लेके आए उसकी गुणवत्ता में आपके साथ शोषण हुआ है तो 2 साल से पहले पहले आपको शिकायत कर देनी है, 2 साल के बाद अगर आप शिकायत करते हैं तो वो शिकायत आपकी खारिज कर दी जाती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अभी करंट संशोधन हुआ है 2019, इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का नया नाम है उपभोक्ता संरक्षण संशोधित अधिनियम 2019। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लागू कब से हुआ है बेटा, 20 जुलाई 2020 याद रख लियो, 20 20 20 RBI अपने ध्यान ध्यान है 2020 तो अपन जिंदगी में कौन भूलेंगे दी। अब इसमें CCPA का गठन किया गया है। CCPA क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। भाई पहले की अपन अपील करनी पड़ती, इन अपील आप सीधा राष्ट्रीय कौन कर सकता है ना, तो एक चैनल में जाना पड़ता अपन। अब आपको लगता है कि आपका शोषण हो रहा है और आपका जिला उपभोक्ता मंच आपकी सहायता नहीं कर रहा है, शिकायत नहीं सुनी जा रही है, तो आप सीधा CCPA में शिकायत कर सकते हैं सीधी, है ना, सीधी इन दोनों की या किसी की भी, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य है आजकल के है, पहले तो उपभोक्ता को जो को शोषण है वो वस्तु के माध्यम से होता था, आजकल आप देखते हैं बेटा बहुत भ्रामक विज्ञापन आते हैं, आप ये कीजिए वो कीजिए, तो भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए भी इसका गठन संशोधन किया गया। ऐ शब्दावली अपनी गारंटी और वारंटी, गारंटी अर्थ ओ है कि अगर किसी वस्तु को आपने खरीदा है और उसमें कोई दोष है डिफॉल्ट है तो जो विक्रेता है वो आपको नई वस्तु देगा, क्या देगा, नई वस्तु। जे थे मान के चालो थे फोन खरीद लियो, फोन खराब हो गयो, अगर गारंटी है तो थाने वो फोन जमा करा दो, नयो फोन देसी। दूसरा है वारंटी, वारंटी में दोष होने पर वो उसकी नई शुल्क मरम्मत करेगा, थे फ्रीज ले गया विपर लिख 10 साल वारंटी, फ्रीज खराब हो गयो, फ्रीज नयो कौन दिया थाने, फ्रीज वो जो थन दी वो आदमी थारे घरे आपको मिस्त्री भेजेगा, नई शुल्क थारी फ्रीज ठीक कर दिया सी, आ है वारंटी। तो गारंटी और वारंटी में अपन अंतर समझ में आ गयो। अब अपना है MCQ, सहकारी समिति का पंजीयन कहाँ होता है, आपको पहले इन उत्तरों को अपने पेज पे लिख लेना है मेरे मित्रों दोस्तों, फिर आपको इस आंसर की से मिलाना है, ठीक है। तो सहकारी समिति का पंजीयन कहाँ होता है, मानक चिन्ह क्या है, वस्तु उत्पाद सेवा के खरीदने वाले को क्या कहते हैं, 20 लाख को 1 करोड़ तक की शिकायत कटक रहेगा, प्राथमिक सहकारी समिति है उसमें न्यूनतम सदस्य कितने होंगे, सहकारिता का मूल मंत्र लिखना है, उपभोक्ता का ऊपरी स्तर पर शिकायत कितने दिन में कर सकते हैं,
ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस किस डेट को मनाया जाता है, और सहकारिता ध्वज में कितने रंग होते हैं, ठीक है। ये सारे 10 क्वेश्चन हैं, 10 के 10 आपको करने हैं, इसके आंसर मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब अपने बात करते हैं कि जो एक तो ये गुणवत्ता वाले चिन्ह थे इनकी बात कर लें। ISI एग मार्क FVO क्या है? एग मार्क का अर्थ है बेटा AG मार्क। AG का मतलब है एग्रीकल्चर, मार्क का मतलब है मार्केटिंग। AG मार्क का मतलब है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी वो चीज़ें जो कृषि और खाद्य में आपको यूज होती हैं उस पर सर्टिफिकेशन लगा रहता है एग मार्क का। ISI का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, 1955 से ये स्थापित और 1 जनवरी 1987 से इसका नाम बदल दिया है ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। और यहाँ FPO है वो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, अपन जाने 2006 में फूड सेफ्टी जो एक्ट आया था उसके तुलनात्मक रूप से FPO को लागू कर दिया गया। अब आप सहकारिता राजस्थान के अगर संदर्भ में देखा तो अपन ध्यान है आपने जी की सहकारिता की शुरुआत है बा राजस्थान के अजमेर जिले में हुई है, बिनाए हुए एक आंदोलन हो ध्यान है 1904 में दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना की गई थी। दुर्भिक्ष आयोग लाया गया, दुर्भिक्ष यानी काल पड़ गया और किसानों ने जबकि सहायता करने सहकारिता का, तो भिनाए में 1904 शुरुआत हुई। काफी बार आपका कंफ्यूज रहा क्या 1904 एक पांच हुई तो शुरुआत तो कहां से हुई, अजमेर से 1904 में, ठीक है ना। और इसी समय जैसे यहां शुरुआत हुई तो पहला सहकारी कृषि सहकारी जो बैंक है वो आपको पता है भरतपुर के डीग में स्थापित कर दिया गया था। और यहां प्राथमिक सहकारी समिति जो थी भिनाए में वो स्थापित की गई थी 1905। तो कई बार अपन गलत कर दिया क्या बिनायों शुरुआत 1905, नहीं नहीं शुरुआत तो 1904 और सहकारी समिति प्राथमिक सहकारी समिति 1905। अगर सहकारी समिति पूछता है कहां स्थापित हुई, बैंक पूछता है तो पहला डीग भरतपुर उत्तर आएगा, आंदोलन पूछता है तो भिनाए 1904 आएगा, और प्राप्त भिनाए में सहकारी समिति पूछता है तो 1905 आएगा। अगर वर्तमान में करें तो हमारे राजस्थान में 20 सहकारी संघ हैं, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं और 19 केंद्रीय सहकारी बैंक हैं। मुझे उम्मीद है आपको सहकारिता उपभोक्ता सशक्तिकरण अच्छे से समझ में आया होगा। अपने जो भी सुझाव हैं कमेंट्स के माध्यम से हमें दें, बहुत बहुत धन्यवाद।